शहर के नयापुरा क्षेत्र में स्थित विक्रम सहकारी संस्था मर्यादित का प्रबंधन समय अवधि पूरी होने के बाद भी खाता धारकों को जमा पूंजी नहीं दे रहा है। 5 साल से लोग संस्था कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। प्रबंधक खाता धारकों को धमकी दे रहा है कि तुमसे जो बने वो कर लो, मेरे पास तो रुपए नहीं है। लोग हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिस पर लिखा था कि प्रशासन जागे, इंसाफ करो, हमारे पैसे वापस दिलवाएं। पीड़ित लोगों ने कलेक्टर को आवेदन देकर जमा पूंजी दिलवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि विक्रम सहकारी संस्था मर्यादित के मैनेजर ने 5 साल होने के बाद भी FD और जमा पूंजी वापस नहीं की है। चक्कर लगाकर परेशान महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय, उपायुक्त सहकारी संस्था कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की। इसको लेकर जिम्मेदारों का कहना है कि पहले भी जांच हो चुकी है, प्रबंधक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो भी निर्णय होगा न्यायालय में होगा। प्रबंधक की संपत्ति की जानकारी निकाली जा रही है, संपत्ति कुर्क की जाएगी, संपत्ति बेचकर खाता धारकों को रुपया दिया जाएगा। सर विक्रम बैंक है जो नयापुर स्थित है, बाकी सर वो 5 साल से किसी का भी पैसा नहीं दे रही है। वो जब जाओ तो कोई धमकी देता तुमसे बना वो कर लो बोले, मेरे पास नहीं है बोले, आएंगे तो दूंगा बोले। इसकी शिकायत अभी यहाँ DO ऑफिस है तो DR ऑफिस तो सर यहाँ पर कोई आवेदन लेने को तैयार नहीं हो रहा है। सर केवल 2 FD मेरी, एक मेरे एक मिसेस के नाम से 2,30,000 के आसपास, जो अभी तक वो जब भी जाते हैं अभी नहीं बात माना, अभी नहीं बात करके अभी तक डालते गया और न अभी तक कोई कार्रवाई करे, और थाने में भी दिया एक बार आवेदन, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बयान ले लिए मेरे, उसके बाद कोर्ट में भी केस लगाया, कोर्ट से ये कोरोना लग गया तो अभी तक उसका कोई वो नहीं हो रहा समझ। क्या है, पहले भी जांच हो चुकी है, इसके संबंध में थाने में FIR करवा रखी है प्रबंधक के खिलाफ, और थाने से विवेचना होकर इसका चालान पेश करेगी कोर्ट में, जो भी डिसीजन करेगी कोर्ट करेगी।